फ्रेंड्स वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों आज भी अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में सरकारी सहायता अनुदान प्रणाली विद्यमान है, जिसको अंग्रेजों के ज़माने में दोस्तों ग्रांट इन एड सिस्टम के नाम से जाना जाता था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बिल्कुल बताने जा रहे हैं कि आखिर ये जो ग्रांट इन एड सिस्टम यानी सहायता अनुदान प्रणाली है, इसकी जड़ें कहाँ हैं, आखिरकार इसका प्रादुर्भाव कब और किन परिवेश में हुआ। दोस्तों सन 1833 के बाद 1853 ईस्वी में कंपनी यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी के आज्ञा पत्र को नवीन रूप देने का मौका मिला। ब्रिटिश सभा अब ये सोचने लगी थी कि भारतीयों की शिक्षा की अवहेलना अब नहीं की जा सकती। इस दृश्य से आज्ञा पत्र को प्रकाश में लाने के पहले लोकसभा ने एक संसदीय समिति की नियुक्ति की। समिति के सुझाव के अनुसार कंपनी के संचालकों ने 19 जुलाई 1854 को भारतीय शिक्षा नीति की घोषणा कर दी, और यही जो भारतीय शिक्षा नीति है उसमें चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे, अतः इन्हीं के नाम पर शिक्षा का नया घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया जो 100 अनुच्छेदों का लेख पत्र था। इस घोषणा पत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नए काल की शुरुआत किया। यही कारण है कि कुछ लोग इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। आखिरकार 1854 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड ने भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक औपचारिक पत्र प्रेषित किया, जिसमें भारत के भीतर अंग्रेजी भाषा के उपयोग में एक बड़े बदलाव का सुझाव दिया था। सर चार्ल्स ने सिफारिश की थी कि प्राथमिक विद्यालय स्थानीय भाषाएँ अपनाएँ और हाई स्कूल एंग्लो वर्नाकुलर भाषा अपनाएं और कॉलेजों में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम हो। इसी विज्ञप्ति को अनौपचारिक रूप से वुड डिस्पैच के नाम से दोस्तों जानते हैं। अब हम बताएंगे कि वुड डिस्पैच के अंतर्गत जो ग्रेड इन एड प्रणाली थी दोस्तों वो क्या थी। तो दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रांट इन एड सिस्टम सहायता अनुदान प्रणाली। यद्यपि वुड के घोषणा पत्र के अनुसार भिन्न भिन्न प्रांतों में सहायता अनुदान प्रणाली ग्रांट इन एड सिस्टम प्रचलित हो गई थी, किंतु सभी जगह इसका स्वरूप भिन्न था। मद्रास में वेतन अनुदान प्रणाली थी तो बंबई में परीक्षा परिणाम की अनुदान प्रणाली थी, और पश्चिमोत्तर पंजाब तथा मध्य प्रांत में नियतकालीन प्रणाली थी। आयोग ने इन सभी प्रणालियों का अध्ययन करके अधोलिखित सुझाव दिए। पहली बात अगर हम बात करेंगे तो परीक्षा परिणाम के अनुसार वेतन प्रणाली यानी पेमेंट बाय रिजल्ट्स सिस्टम का प्रयोग केवल प्राथमिक कक्षाओं तक ही सीमित रखा जाए। दूसरी अगर हम बात करें तो प्रशासन द्वारा छात्रवृत्तियां तथा पुरस्कार आदि सभी विद्यालयों को समान रूप से दिए जाएं। तीसरी अगर हम बात करें तो सहायता अनुदान के नियमों को समाचार पत्रों आदि में प्रकाशित किया जाए ताकि जनसाधारण को इसकी जानकारी हो सके। भारतीय भाषाओं में सहायता अनुदान के नियमों का अनुवाद करके उसकी प्रतियां सभी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधकों के पास भेजी जाएं। जो विद्यालय पिछड़े हुए क्षेत्रों में हैं अथवा जिनके पास आय के साधन कम हैं उन्हें अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाए। विद्यालयों के व्यवस्थापकों की शिक्षा के माध्यम तथा पाठ्यक्रम के चुनने में पूरी पूरी छूट होनी चाहिए। प्रत्येक सहायता प्राप्त विद्यालय को सहायता अनुदान निश्चित समय पर दिया जाए, बिना कारण सहायता अनुदान बंद ना किया जाए। जब सहायता अनुदान के नियमों में संशोधन करना हो तो अराजकीय विद्यालयों के व्यवस्थापकों से भी परामर्श कर लिया जाए। सहायता प्राप्त विद्यालयों के आंतरिक प्रबंध में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना किया जाए। पाठशालाओं के भवन निर्माण, पुस्तकालय, वाचनालय तथा प्रयोगशाला आदि के संबंध में नियम बना लिए जाएँ। विद्यालयों को जब सहायता अनुदान दिया जाए तब उनकी स्थिति की पक्षपात रहित जांच किया जाए। और दोस्तों आगे बात करेंगे विशिष्ट विषय के शिक्षण के लिए विशेष धनराशि की उपलब्धि विद्यालयों को होनी चाहिए।
तो दोस्तों ये रहा जो है वुड का डिस्पैच, और वुड के घोषणा पत्र से इस बात की आशा प्रकट की गई कि सहायता अनुदान प्रणाली प्रचलित होने पर प्रशासन शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल हट जाएगा। परंतु जब ऐसा नहीं किया गया और स्थान स्थान पर राजकीय विद्यालय स्थापित किए जाने लगे तो ईसाई प्रचारकों ने इसका घोर विरोध किया। अतः आयोग से निम्नलिखित बातों के संबंध में सुझाव देने के लिए कहा गया कि क्या प्रशासन शिक्षा के क्षेत्र से सर्वथा हट जाएगा, यदि हाँ तो इसका कौन सा उपाय है। हंटर आयोग ने यह स्पष्ट निर्णय दिया कि प्रशासन को शिक्षा के क्षेत्र से बिल्कुल हट जाना चाहिए। इसके दो कारण दिए गए। पहली बात ये कहेगी कि शिक्षा की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और प्रशासन धन अभाव के कारण उसे पूरा करने में असमर्थ है, और दूसरी बात ये कही गई कि सरकारी विद्यालयों पर धन व्यय अधिक होता है। शिक्षा के क्षेत्र से हटने पर जो धन बचेगा उसका उपयोग सहायता अनुदान के रूप में किया जा सकता है। उपायों के संबंध में आयोग का सुझाव ये है कि सरकारी विद्यालय न खोले जाएं। यदि कोई निजी संस्था या स्थानीय संस्था किसी पाठशाला का प्रबंध अपने हाथ में लेना चाहे तो प्रशासन को वहाँ से अलग हो जाना चाहिए। प्राथमिक पाठशालाएँ जिला परिषदों और नगर पालिकाओं के अधीन कर दी जाएँ। दोस्तों ये हंटर कमीशन का रिकमेंडेशन था, और प्रांत शिक्षा के विभागों के माध्यम से उच्च तथा माध्यमिक पाठशालाएं निजी या सार्वजनिक संस्थाओं को हस्तांतरित किए जाएं। तो ग्रांट इन एड सिस्टम के बारे में हंटर कमीशन ने भी थोड़े बहुत अपने जो विचार रखे थे उसको भी दोस्तों मैंने इसी में शामिल कर लिया। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पर कमेंट करें, अपने जैसे दोस्तों तक जरूर शेयर करें। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से बेल आइकन आता है उसे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जय प्रकाश दुबे साइनिंग आउट।